आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जैसा कि मैंने पूरे वक्तव्य में कहा जो मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर थे ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के, वो जब यहां पर पीएससी के चेयरमैन बने तब कई प्रकार के घपले और घोटाले हुए, जिसमें परिवहन के घोटाले, पुलिस के घोटाले, स्कूल के घोटाले, वन विभाग के भर्तियों के घोटाले, आरटीओ के घोटाले, ऐसे कई अपराध उनके कार्यकाल में हुआ। फिर वो गए छत्तीसगढ़, वहां भी घपले घोटाले हुए। फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने, प्रदीप जोशी जी। हमने मांग की कि उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी नेट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में है। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांच नहीं, इस्तीफा दो, और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो, वो खुद ही जांच करेंगे। प्रदीप जोशी जी को जांच दे दी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। वन दूसरा, नर्सिंग घपले और घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और कौन है महेंद्र गुप्ता, जो सीबीआई के अफसर गिरफ्तार हुए, राहुल राज और एक और कोई भास्कर या कुछ नाम है उसका, उनके और इनके कार डिटेल चेक होने चाहिए। जो जितेंद्र शुक्ला है, जो उस समय के रजिस्ट्रार हैं, उनके और महेंद्र गुप्ता के कार डिटेल चेक होने चाहिए, और सीबीआई के करप्ट अधिकारियों की और इस सरकार के मंत्रियों और उसके अधिकारियों की क्या साठगांठ हुई, इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी मांग भी करता हूँ और कानूनन भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।